किया है उसको देखते हुए एक अलार्मिंग सिचुएशन कोटा के लिए बनी है कि वास्तव में ऐसी क्या परिस्थितियाँ हो गई कि एकदम से इतने बच्चे बार बार सुसाइड कर रहे हैं। उसको लेके स्टेट लेवल जो कमेटी बनाई हुई है प्रिंसिपल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन अध्यक्षता में, उस कमेटी की कोटा की जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है प्रतिनिधि है और यहाँ के अधिकारी है उनके साथ आज एक प्रिलिमिनरी मीटिंग हुई है। फॉर्मल मीटिंग तो 2 तारीख को कोटा में रखी जाएगी, उससे पूरी कमेटी जयपुर कोटा आएगी, लेकिन प्रिलिमिनरी मीटिंग यहाँ हुई है। उसका मकसद ये था कि एक तो ऐसे कुछ इमीडिएट रीजंस तलाश किए जाएँ कि तत्काल इस कार्य को रोकने के लिए, ऐसी घटना को रोकने के लिए ऐसे टेम्प्रेरी मेजर्स क्या किए जाएँ कि इमीडिएटली ऐसी चीज़ें में कमी आ सके, और एक लॉन्ग टर्म के स्टेप्स कह लीजिए जिससे आगे के लिए इसका किया जा सके। तो इमीडिएटली हमने जो डिस्कशन हुआ है उसकी वजह से ये रखा है कि जब भी 2 महीने तक जैसे किसी भी कोचिंग में कोई टेस्ट नहीं हो, कोई एग्जाम नहीं होगा, तो बच्चे का जो टेस्ट का फियर है वो ख़त्म हो जाए। दूसरा, एक छुट्टी हमने और कर दिया, बुधवार को जो इनका बच्चों की सुबह जिसकी शिफ्ट है उसकी हाफ, एक शिफ्ट जैसे 6 से 12 किसकी है तो हाफ टाइम तो उसकी होगी पढ़ाई, और हाफ टाइम उसकी होगी फन क्लास लगेंगी, उससे पढ़ाई की बात नहीं होगी, फन के हिसाब से उसकी एक्टिविटीज़ होंगी। इस तरह इसकी हाफ आफ्टरनून में कोचिंग में शिफ्ट है उसकी भी हाफ टाइम में उसकी पढ़ाई होगी, हाफ टाइम में उसकी फन क्लास होगी, तो एक तरह से उसका आधा दिन उसको और मिल गया आपके फन क्लास के लिए, इंजॉयमेंट के लिए, उसका स्ट्रेस रिलीज करने का। प्लस एक हम लोग सोच रहे हैं कि क्लास लेवल पे इसका अभी सरकार द्वारा और कोटा एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा दोनों द्वारा बहुत ही सहनशीलता से इस मुद्दे को लिया गया है जो भी कोटा में अप्रिय घटना घट रही है, और हम शिक्षाविद भी सभी इसको लेकर सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। बहुत सारे मुद्दों को लेकर आज बात हुई, बहुत चर्चा हुई, अटेंडेंस को कैसे मॉनिटर करेंगे, कैसे चेन रिएक्शन को रोकेंगे, कौन कौन से सिंड्रोम्स इस पे काम हो रहा है, टेस्ट की फ्रीक्वेंसी को हम कैसे कम कर सकते हैं, सिलेबस की कटिंग कैसे हो सकती है, उसी को लेकर आज शाम को भी 5 बजे मीटिंग ली गई है। मैं आप सभी लोगों को, मीडिया कर्मियों को इस माध्यम से, मंच के माध्यम से बोल सकता हूँ कि सरकार, यहाँ का कोटा एडमिनिस्ट्रेशन और जितने भी शिक्षाविद और शिक्षण संस्थाएँ कोटा की हैं, सभी इस मुद्दे को बहुत सहनशीलता के साथ और बहुत सीरियसनेस के साथ इसको ले रही हैं। मैं आशा करता हूं कि जो भी इसकी प्रक्रिया में जो भी हमें इवेंट्स करने होंगे, जब वो करे जाएंगे तो उनका सुचारू बहुत कोई ना कोई अच्छा रिजल्ट जरूर आएगा। कमी क्या लगती है आपको? इसके एक 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 रीजन बोल देना शायद सही नहीं होगा, इसके कई कारण है। कई बार ये पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से करता है, कई बार ये पेरेंट्स में, जैसे मैं बताऊँ आपको कि एक लड़की थी जो अभी थोड़े दिन पहले मैं क्लास में गया तो रोने लग गई, मैंने पूछा बेटा क्या हुआ, नंबर कम आ रहे कि नहीं, उनके फादर मदर लड़ते थे आपस में उसकी वजह से। तो कोई एक कारण बोल देना मेरे हिसाब से समझदारी नहीं है, हमें समझना पड़ेगा कि इसके मल्टीपल रीजंस हैं। हाँ, बैक ऑफ द माइंड पढ़ाई का प्रेशर उसमें एक प्रमुख भूमिका निभाता है, पर पढ़ाई का प्रेशर वो कभी टेस्ट से आता है, कभी हो सकता है कोचिंग से आ रहा हो, कभी हो सकता है पीजी में रहने वाली जगह से आ रहा हो, और कई बार ये देखा गया है कि पेरेंट्स की तरफ से भी आ रहा है, तो उसका समावेश कई बार मिलकर बच्चे को ये करने में मजबूर करता है। संडे फंडे की बात की जा रही है, संडे फंडे की बात कर जाइए, टेस्ट हटा दी गई है, बल्कि आज ये बात हुई है कि संडे के अलावा भी आधे दिन का काम भी, आधे दिन की छुट्टी और दी जाएगी। आज कलेक्टर महोदय साहब ने बोल दिया है कि आप अगर 6 घंटे की क्लासे लेते हैं, 4 घंटे की क्लासे लेते हैं, तो हफ्ते में एक दिन ऐसा जाएगा जब आप उसकी आधे आधे ड्यूरेशन की ही क्लासेस लेंगे।